मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगल के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता था, लेकिन रात होते ही वह गाँव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गाँव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम को ही गांव में सन्नाटा फैल जाता। रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान होकर गांव के लोगों ने बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया, उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गाँव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाकर जहाँ भूत का वास होता है, साधु अपने जब तब से भूत को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि उसे दिन में परेशानी से डर लगता है। रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गाँव वाले मिलकर योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकल कर गाँव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ में बांध देता है, फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है।